बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, अब ईद आ रही है तो ईद उल बकरा पे एक कीमे वाले चावल, उनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने ये 1 किलो कीमा लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह धोया है। फिर मैंने एक उबाल पानी में डाल के एक उबाल दिया है और फिर इसको धोकर हंडिया में डाला है। अब इसमें मैं ये साबुत मसाले डालूंगी, दालचीनी, साबुत मसाले, काली मिर्च, लौंग। अब इसमें वो मैं डाल दूंगी और मोटी इलायची। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच नमक का डाला है मैंने। ये ईद स्पेशल कीमे वाले चावल हैं, कीमे वाले राइस, जिनकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच, ये मेरे पास रेडीमेड था, वही मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश भी आप डालें तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे मिक्स करके मैं कवर कर दूंगी 1/2 घंटे के लिए, ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। ये लैम का कीमा इतना टाइम नहीं लेगा, अगर आपके आपका दूसरा कीमा है वो ज़्यादा टाइम लेता है। अब इसको मैं कवर कर दूँगी, फिर मैं दूसरे जो इन्ग्रीडियंट्स चावलों के लिए डालूँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कीमा मैंने गलने के लिए रखा है। आप जो मैं चावल बनाने के लिए मुझे मसाले चाहिए उनमें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने चावल लिए, ये 2 कप चावलों के, मैंने इनको पानी में भिगो दिया है 1/2 घंटा पहले। 2 प्याज, ये छोटे साइज़ के 2 प्याज थे, इनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। गरम मसाला, ये मिक्स मसाला इस पाउडर, इसका मैंने 2 चम्मच ये लिए। 3 हरी मिर्चें, 1 टमाटर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लेमन जूस, करी पाउडर 1 चम्मच और ये साबुत मसाले मिक्स, और ऑयल 2 चम्मच। तो सबसे पहले मैं ऑयल डालती हूँ। मैं कीमा चेक करती हूँ, कीमा जो है हमारा अच्छी तरह गल गया है। अब इसको मैं एक साइड पे करती हूँ और मैं अपना मसाला तैयार करती हूँ। चम्मच भर के मैंने 2 ऑयल के डाले हैं। अब ऑयल हमारा गर्म है, अब इसको प्याजों को अच्छी तरह ब्राउन करूँगी। मसाले आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, अगर आप इनमें कोई वेजिटेबल डालना चाहें, मटर, वो भी डाल सकते हैं चावलों में। प्याज अब हमारे ब्राउन हो गए, अब एक मिनट और रहने दूंगी, फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। जो जब मसाले डालूंगी उनका जो है ना बॉक्स में मैं डाल दूँगी, कितनी कितनी मकदार में। अगर आप ज़्यादा चावल बनाना चाहते हैं तो डबल मसाले कर लें। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और इसे कवर कर दूँगी, जो है ना खुशबू अंदर ही रहे प्याज की। अब मैं टमाटर डाल दूँगी, साथ ही में नमक और करी पाउडर भी डाल दूँगी। ये जो है हमारे चावल जल्दी से जल्दी तैयार हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लेते। नमक आप बाद में चेक भी कर सकते हैं, जब आप चावल डालें पानी तो आप चेक कर लें, अगर कम है तो और भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें कीमा डाल दूँगी, जो खड़े मसाले थे आप वो निकाल लें, मुँह में आते हैं अच्छे नहीं लगते, वो मैं निकाल लूँगी। दालचीनी और लौंग वगैरह अब मैंने कीमा डाल दिया, अब इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी और इसकी अच्छी तरह बुनाई करूँगी कीमे की। अब इसमें मैं सूखा मसाला आधा जो मैंने रखा था आधा डालूँगी, आधा बाद में डालूँगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। अब इसे मैं कवर कर दूंगी ताकि जो है पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। माशाल्लाह देखिए मैंने कीमे की अच्छी तरह बुनाई कर ली है। ये सेपरेट बटर सेपरेट तेल सेपरेट हो गया है, मटर का सेपरेट। अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी,
मैंने 2 ग्लास चावलों के लिए थे 4 ग्लास पानी के। इसमें पानी मैंने केटल में बॉईल किया हुआ है, इससे जल्दी से जो है हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। अब इसमें मैं साबुत मसाले थे वो डालूंगी, इससे खुशबू जो है ना अच्छी आती है चावलों में। हमेशा आप चावल बनाएं तो उसमें साबुत मसाले ज़रूर डालें। लेमन जूस, हरी मिर्च, अब मैं चावल पीस साथ ही डाल दूंगी। अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी, इसमें डाल दूंगी। चावल मैंने डाल दिया, अब मैंने जो मसाला बचाया था वो इसमें डाल दूंगी। और इनको 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, फिर इनको दम पे रखूंगी। अब चावलों का पानी ड्राई हो गया है, अब इनको मैं 10 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी कवर। इनको मैं दम पे रखूंगी। माशाल्लाह मैंने चावलों का दम खोला है, हमारे चावल जो है तैयार हो गए हैं। देखिए कितने खिले खिले तैयार हुए हैं माशाल्लाह। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें हमारे स्पेशल ईद कीमे वाले चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं। देखें एक एक दाना खिला खिला हमारा तैयार हुआ है माशाल्लाह। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पहले 200 से ज़्यादा मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स थे, तो कोई उस पर कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मैंने अपना इंस्टाग्राम चेंज किया है, उसका मैं लिंक दे दूंगी। आपने ज़रूर मुझे फॉलो करना है, और दुआ में याद रखें। फिर मिलोगी अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।